A very good morning to all. Today I am going to explain class 12 chemistry chapter number 2. Today topic is colligative properties. Colligative properties depend only on the number of the solute particle present, not on the identity of the solute particle. Among colligative properties are vapor pressure lowering, boiling point elevation, melting point depressions and the osmotic pressure. First, vapor pressure. As solute molecules are added to a solution, the solvent becomes less volatile. Solute-solvent interactions contribute to the effect, therefore the vapor pressure of a solution is lower than that of the pure solvent. If a solute is non-volatile, that means that it does not have a measurable vapor pressure, the vapor pressure of its solution is always less than that of the pure solvent. Now, the second is Raoult's law. Thus, the relationship between the solution vapor pressure and solvent vapor pressure depends on the constructions of the solute in the solution. This relationship is expressed by Raoult's law. Raoult's law, it states that the vapor pressure of a solvent over a solution PA is given by the vapor pressure of the pure solvent and PA time the mole fraction of the solvent in the solution is equal to xA. Raoult's ka niyam, yeh niyam Francisi jo rasayan shastri the jinka naam Raoult tha, unhone 1881 mein diya tha bete. Aur according this law, kisi bhi temperature par jo bhi evaporated liquid jo hote hain, jo vashpashil drav jo hote hain, unke vilayan ke liye, मतलब उनके सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूशन में जितने भी अवयव हैं उनका आंशिक वाष्प दाब और शुद्ध अवयव के वाष्प दाब के यानी कि उनका जो वेपर प्रेशर जो है उसके अकॉर्डिंग होता है और इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके मल्टीप्लाई के इक्वलिटी में उसका रिजल्ट आता है. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पी ए जो है ये क्या है, ये वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट का और यहाँ पे एक्स ए एंड पी ज़ीरो ए जो है उसका जो मल्टीप्लाई है वो पी ए के बराबर आना चाहिए. यही रॉल्ट्स लॉ है. रॉल्ट्स लॉ, देर आर द टू केसेस वी कैन कंसिडर. यहाँ पर हम टू टाइप्स ऑफ केसेस की स्थिति करते हैं. द फर्स्ट इज वॉलेटाइल सॉल्यूट. बोथ सॉल्वेंट एंड द सॉल्यूट आर फाउंड इन अ वेपर अबव द सॉल्यूशन. अ सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इज इन इज एन एग्जाम्पल. जो फर्स्ट वाला है उसमें है कि वॉलेटाइल सॉल्यूट होना चाहिए, तो इसके अंदर जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट जो है दे आर फाउंड इन अ वेपर अबव द सॉल्यूशन. इस सॉल्यूशन के अंदर जो एग्जाम्पल है वो है एथेनॉल. द सेकेंड इज नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट. ओनली द सॉल्वेंट हैज़ अ वेपर प्रेशर. इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की अगर हम बात करते हैं तो जो सॉल्वेंट है उसका ही वेपर प्रेशर लेंगे. द सॉल्यूट डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द प्रेशर, सो देयर इज अ वेपर प्रेशर प्रेशर लोअरिंग. नाउ द सेकेंड इज टोटल प्रेशर आर आइडल सॉल्यूशन. जो टोटल प्रेशर की जो हम लोग बात करेंगे वो कैसा होगा, मतलब आइडल सॉल्यूशन के लिए जो टोटल प्रेशर हम लोग देखेंगे वो देखिए पी वन जो है एक्स वन एंड पी ज़ीरो वन उसको हम लोग उन्होंने फर्स्ट डायग्राम के अंदर शो किया है. एंड द सेकेंड डायग्राम देखिए आप यहाँ पर पी टोटल पी वन प्लस पी टू जितना जो प्रेशर जो हम लोग बात करें कि टोटल प्रेशर कितना होगा, तो पी वन और पी टू का जो प्रेशर होगा उसको हम टोटल करेंगे वो उसका टोटल प्रेशर आएगा. और यहाँ पर पी वन की यदि हम लोग बात करते हैं तो वो एक्स वन एंड पी ज़ीरो वन होगा और यदि पी टू की बात करते हैं तो यह एक्स टू एंड पी ज़ीरो टू होगा. नाउ द नेक्स्ट इज फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन. द टोटल वेपर प्रेशर ओवर एन आइडियल सॉल्यूशन इज गिवन बाय पी टोटल यानी प्रेशर टोटल इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू. इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग ओनली वन सॉल्यूट एक्स वन इज इक्वल टू
वन माइनस एक्स टू वेयर एक्स टू इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इज इक्वल टू एक्स वन पी वन प्लस एक्स टू पी टू इज इक्वल टू अब इसमें से हम क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे देन अंदर क्या बचा हमारे पास में वन माइनस एक्स टू पी वन इसके अंदर से हमने कॉमन ले लिया था प्लस एक्स टू पी टू और एट इन द लास्ट जो सोल्यूशन हमारे पास में आया वो क्या है पी वन प्लस एक्स टू इज अ मल्टीप्लाई बाय जो एक्स टू है इज अ मल्टीप्लाई बाय पी टू माइनस पी वन अ प्लॉट ऑफ द टोटल प्रेशर हैज़ द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन जो टोटल प्रेशर हमारे पास में आया उसे हम स्ट्रेट लाइन के अंदर शो करते हैं नाउ द नेक्स्ट इज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन ऑल्सो कॉज सॉल्यूशंस टू हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स एंड लोअर फ्रीजिंग पॉइंट दैन द प्योर सॉल्वेंट द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन जैसे कि हम लोग डेल टी बी से शो करते हैं इस डिफाइंड एज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन टी बी इज अ माइनस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट तो यदि इसे हम लोग इक्वेशन के अंदर शो करते हैं तो हम इसे कैसे शो करेंगे डेल टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी जीरो बी तो यहाँ पे जो टी जीरो बी के रूप में हम लोग शो कर रहे हैं वो क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट होगा प्योर सॉल्वेंट का किस फॉर्म में माइनस के फॉर्म में द वैल्यू ऑफ डेल टी बी इज प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर लोअरिंग एंड सो इज ऑल्सो द प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन दैट इज दैट डेल टी बी ए एंड द चेंजेस इन बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन देन डेल टी बी इज इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई बाय एम वेर के बी इज द मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कॉन्स्टेंट अ प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्वेंट जब हम सेकेंड इक्वेशन की स्टडी करते हैं तो वो है हमारे पास डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इज अ मल्टीप्लाई बाय एम और यहाँ पे जो के बी है इज अ मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कॉन्स्टेंट है ना जिसकी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्वेंट जिसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो सॉल्वेंट की इक्वल होती है उसके समान होती है नाउ द नेक्स्ट इज यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर आपको ग्राफ शो किया गया है तो यहाँ देखिए डेल टी एफ और डेल टी बी शो किए गए हैं और 1 atm एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो 1 atm रखा गया है यहाँ पर ट्रिपल पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो फर्स्ट पार्ट में दिया है आपको सॉलिड प्योर सॉलिड सॉल्वेंट और इसके बाद में जो लिक्विड की हम लोग बात करते हैं ना ट्रिपल पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज़ अ प्योर लिक्विड सॉल्वेंट एंड गैसेस की मतलब सॉलिड भी आ गया देखिए आप यहाँ पर फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको यहाँ पर सॉलिड जो है वो शो किया गया है देखिए इस जगह पर इट्स अ सॉलिड एंड द लिक्विड एंड द गैसियस फॉर्म ओके तो ये सॉलिड के लिए ये वाला ले लिया हमने एंड द लिक्विड फॉर द लिक्विड पोर्शन हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट जो है वो शो किया गया है प्योर लिक्विड सॉल्वेंट शो करें इसके बाद में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो शो किया गया है यदि हम गैसेस स्टेट की बात करते हैं देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन ओके तो इस तरीके से जो ग्राफ है वो आपको शो किया गया है नाउ द नेक्स्ट इज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशंस अ नॉन साइंटिस्ट मे रिमेन फॉर एवर अनफेयर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन फिनोमेना बट अ केयरफुल ऑब्जर्वर लिविंग इन अ कोल्ड क्लाइमेट इज अ फैमिलियर विथ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशंस आइस ऑन फ्रोजन roads and the sidewalks melts when sprinkled with salt such as NaCl or CaCl2. This method of thawing succeeds because it depresses the freezing point of water. Now, the next is freezing point of depression. The freezing point of depressions is a show by del T1 is defined as the freezing point of the pure solvent minus the freezing point of the solution. Okay, तो pure solvent जो है उसका जो freezing point होगा जिसे कि हम लोगों ने T1 से शो किया है जब हम इसमें से माइनस करेंगे freezing point of the solution. Because T1 and यहाँ पर first टी जीरो टी मतलब कि स्मॉल टी से हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है इसे मल्टीप्लाई बाय द कैपिटल टी एंड द स्मॉल टी
एंड आंसर जो है उसको हम लोगों ने डेल्टी एफ से शो किया है, यानी जो फ्रीजिंग पॉइंट का जो एफ है उसको हमने नीचे की तरफ शो किया है। ओके तो फर्स्ट में ओनली फॉर एफ ही है, सेकंड के अंदर एफ वन है, और जो थर्ड वन है उसके ऊपर हम लोगों ने डेल्टी से उसको शो किया है। देन इज अ पॉजिटिव क्वान्टिटी, ये जो भी इसकी क्वान्टिटी आएगी वो पॉजिटिव होगी। अगेन इज अ डेल्टी एफ इज अ प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, वेर एम इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इन मोलैलिटी यूनिट्स, एंड द के एफ इज द मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट। तो यहाँ देखिए आपके पास में जो नेक्स्ट इक्वेशन जो आपको दी गई है वो है डेल्टी एफ इजिकल टू के एफ इज द मल्टीप्लाई बाय एम। यहाँ पर एम जो है इज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इन मोलैलिटी यूनिट्स, मोलैलिटी यूनिट्स के अंदर जो सोल्यूट है उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हमने यहाँ पे शो किया है। एंड के एफ इज द मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, और जो के एफ जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है। वी यूज मोलैलिटी सीन्स द सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज डू मैटर, एंड देयरफॉर वी वुड लाइक टू कैलकुलेट द रिजल्ट इन रिलेशन टू अ फिक्स अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट। द कॉन्स्टेंट के एफ डिपेंड्स ऑन द सॉल्वेंट एंड इज अ फंक्शन ऑफ द एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग एंड द मोलर मास। तो जो कॉन्स्टेंट है के एफ, जो के एफ का जो कॉन्स्टेंट है डिपेंड्स ऑन द सॉल्वेंट एंड इज अ फंक्शन ऑफ द एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग एंड द मोलर मास। नाउ द नेक्स्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, इसको हम लोगों ने जो टू आपके साथ में इक्वेशंस शेयर की थी उसी को यहाँ पे अगेन शो किया गया है। हियर के एफ इज द मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट, एंड द सिमिलरिटी बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इज नॉट एक्सीडेंटल। द सेकेंड इज दे बोथ डिपेंड्स ऑन द शिफ्ट इन द इक्विलिब्रियम कॉज्ड व्हेन अ सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड एंड द चेंज द इक्विलिब्रियम ऑफ द लिक्विड्स विद रिस्पेक्ट टू द सॉलिड और वेपर। नाउ इन बोथ इक्वेशन डेल्टी डज नॉट डिपेंड ऑन व्हाट द सॉल्यूट, यहाँ पे जो डेल्टी है वो इस बात पे निर्भर करता ही नहीं है कि सॉल्यूट कैसा है, बट ओनली ऑन हाउ मैनी पार्टिकल्स आर डिजॉल्व, बस इस पर डिपेंड करता है कि सॉल्यूट के कितने पार्टिकल्स जो हैं वो डिजॉल्व हुए हैं। ओके नाउ नेक्स्ट इज मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट ऑफ सेवरल कॉमन लिक्विड्स, यहाँ पे कुछ लिक्विड्स हैं इनके फ्रीजिंग पॉइंट्स जो हैं वो एंड द बॉइलिंग पॉइंट जो हैं वो आपके साथ शेयर किए गए हैं। वाटर जब सॉल्वेंट के रोल में है देन फ्रीजिंग पॉइंट इज 01 एंड द बॉइलिंग इज 100, बेंजीन 5.5, बॉइलिंग इज 80.1, एथेनॉल -117.3 एंड द बॉइलिंग इज 78.4, एसिटिक एसिड 16.6 इज द फ्रीजिंग पॉइंट इन अ डिग्री सेंटीग्रेड एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज 117.9 एंड द साइक्लोहेक्सीन इज 6.6 फ्रीजिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग डिग्री सेंटीग्रेड इन 80.7 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके आई होप कि ये जो क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इट विल बी एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।